हेलो। चलो भैया आगे बढ़। अरे पीछे बात नहीं है। हेलो देखो भैया आगे। अब अरे बात नहीं, पीछे आगे देखो। एक सवाल घर के लिए दिया था। अरे था सही है कि नहीं सही है, यही छूट गया था ना। जल्दी समझेंगे फटाफट से। अब आगे देखो, बात नहीं इधर, बात नहीं। अब देखो आगे, आप मुझे ही बताओ, मैं इसको अलग से चित्र बनाता हूं, समझना ध्यान से। जैसे ही है सही है कि नहीं सही। अब आपसे ही पूछा गया है, हम ध्यान से देखियो। आप ये पूछा गया है, ये वाला भाग का ही सही है कि नहीं। अब मैं तुमसे ये कहूं कि ये मान लो, ये जो दे रखी है ये मध्य बिंदु है। पूरी भुजा कितनी है? 30 अंडर रूट। तो ये आधी भुजा कितनी हो जाएगी? 15 अंडर। सही है कि नहीं सही है। केंद्र से परिधि तक की दूरी त्रिज्या कहते हैं। तो यहां से यहां तक पूछें, ये भी तो 15 अंडर रूट 3 हो। क्लियर है? क्योंकि ये त्रिज्या है। अब आप मुझे ये बताओ, ये देखो, ये समबाहु त्रिभुज होगा, क्योंकि जब दो भुजाएं बराबर हैं तो दो कोण भी बराबर होंगे। तीसरा अपने आप आ जाएगा, सही है कि नहीं सही। तो अब हम ये कह सकते हैं, यहां क्या कह सकते हैं, कि इस पूरे चतुर्थांश का निकाल के अगर हम समबाहु त्रिभुज का घटा, वही आंसर हो जाए। चतुर्थांश का क्या होता है? पाई आर स्क्वायर थीटा बट्टे 360। आगे पढ़ेंगे हम लोग, तो पाई की वैल्यू 22/7। क्लियर है? आर स्क्वायर 15 का वर्ग 225 गुणा 3 पाई आर स्क्वायर, थीटा बनेगा 60/300। में से हम घटा देंगे, कितने को घटा देंगे? समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल, 3/4 भुजाएं 225 गुणा। सही है कि नहीं सही? तो इसका दो गुना और करना पड़ेगा, क्योंकि जितना ये इधर का होगा ना, उतना ही ये इधर का भी होगा। सही है कि नहीं सही? यानी इसका दो गुना और कर। आई बात समझ में? तो यही इसका आंसर हो जाएगा, इसका दो गुना और कर। ठीक है, आप सॉल्व कर लेंगे यहां से आगे, तो आप आंसर निकाल। ठीक है, पीछे हट भाई, एक सीट दे दो, पीछे हट जाओ। तुम बैठते का आगे हट जाओ, जल्दी हट जाओ। देखो आगे, चलिए तो हम लोग शुरू करते हैं।
आ गया। राइट एंगल ट्रेंगल शुरू कर, ठीक है। समकोण त्रिभुज, अब ध्यान से देखना आप आगे, कोई बात नहीं। तो अगर हम समकोण त्रिभुज की बात करें तो समझियो ध्यान से, तो देखो समकोण त्रिभुज होता क्या है, देखना ध्यान से। अब तो समकोण त्रिभुज अगर हम बात करें तो एक ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 अंश का, क्लियर है कि नहीं क्लियर। और एक कोण ये 90 अंश का होता है, और इसके सामने की जो भुजा होती है वो सबसे बड़ी होती है, तो हम लोग कर्ण कहते हैं, तीन नाम दे देते। अब इन दोनों में ही पता नहीं कौन लंबे कौन आधार है, दोनों ही लंबे और दोनों ही आधार है, सही है कि नहीं सही। ये डिसाइड करता है कोई कोण, अगर मान लो हमको ये वाला कोण दे दिया जाए थीटा, तो इसके सामने वाला ये लंब होगा और ये क्या होगा आधार। तो अगर ये वाला एंगल दे दिया जाए अल्फा, तो इसके साम इस कोण के लिए इसके सामने वाला ये लंब, और जो तीसरी भुजा बच गई क्या होगी, वो आधार होगी, सही है कि नहीं सही। तो इसके सामने वाली जो तीसरी भुजा बच गई वो आधार रहती, बाकी एंगल के सामने वाला लंब होता, ठीक है। तो इसके एरिया निकालने का तरीका क्या होता है, इसका एरिया निकालने का तरीका होता है 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, हमें इसे थोड़ा सा इधर उधर कर देते, ए ऐसे दे, तो ए को तो यहां साइन थीटा भी आएगा, और साइन थीटा यहां पे कितना होगा 90। अरे बोलो हाँ है ना, यानी साइन थीटा जो होगा वो कितना होगा, साइन 90 होगा, और साइन 90 की वैल्यू आप जानते हैं कितनी होती है, 1 होती है। अब इसके अंदर मैंने एक अंतःवृत्त की, पहले इतनी बात समझ, ठीक है। अगर कोई ये कहे कि जैसे मान लो मैंने यहां से यहां पर लंब डाल, यहां से इस पे मैंने लंब डाल दिया, इस लंब की ऊंचाई लंबाई है h, या x हम कुछ भी मान, ठीक है कि नहीं ठीक, इसकी लंबाई कुछ भी दे रखी है, तो हम इसका एरिया ये भी कह सकते हैं, ध्यान से दिखना पागे, 1/2 सी गुणा, ये भी, या आप कहना चाहें कि सर इसे एक्स मान ले, मान लो एच ऊंचाई आप समझ, तो अगर इसे आप एक्स मान ले तो ये भी हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, देखो अगर मान लो इस त्रिभुज को, जैसे ये त्रिभुज है तो ना ध्यान से, जैसे ये त्रिभुज है और इस त्रिभुज को हमने क्या किया, हाँ ये देखो अगर हम इस त्रिभुज, ये सही से बना नहीं था थोड़ा सा, अगर हम इस त्रिभुज को ऐसे घुमा दें, ठीक है कि नहीं ठीक है, इस त्रिभुज को ऐसे घुमा दें, और यहां पे ये हमारा लंब है और ये एक्स है, और ये एबीसी थे, अभी नाम दिए तिरछे हो गए उल्टे हो गए एबीसी, तो इसका एरिया क्या होगा 1/2 आधार सी और इंटू ऊंचाई कितना होगा एक्स होगा। अब चित्र तो वही है, चित्र यही वाला यहाँ बना हुआ है, यही वाला यहाँ बना हुआ है, बस उस चित्र को हमने घुमा दिया है, तो इसका एरिया ये भी हो सकता है 1/2 सी इंटू, क्लियर है कि नहीं क्लियर है, ऊंचाई। अगला किसी ने ये कहा अगर हम यहां से यहां पे लंब डाल दें, उससे भी निकल सकते, सबसे निकल सकते। अब मैं आपको आगे बढ़ा, तो ये तो एरिया हो गए, और हम ये भी संबंध निकाल सकते हैं कि जब ये दोनों बराबर हैं, तो ध्यान से देखना 1/2 ए बी बराबर है 1/2 सी गुणा, 1/2 से 1/2 कट गया, तो एक्स बराबर ए बी बट्टे सी। ये भी कई तरीके से पूछ लिया,
एक तो ये पूछ लिया जाता है कि समकोण बनाने वाले शीर्ष से सम्मुख भुजा पर डाले गए लंब की लंबाई बताओ। समकोण बनाने वाले शीर्ष से सम्मुख भुजा पर डाले गए लंब की लंबाई बताओ। तो यहाँ पे अगर ये लंब की लंबाई निकाल लिए तो क्या हो जाएगा, ए बी बट्टे सी हो जाएगा। तो ये कि नहीं सही, ए बी बट्टे कितना हो जाएगा, सी हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई? अगर हम आपसे ये कहें तो ए बात समझ में आ गई। अगर इसके अंदर एक अंतः वृत्त खींच दिया जाए, इतनी सी बात में किसी को दिक्कत है? नहीं, ये डाले गए लंब की लंबाई अगर हमें निकालनी है तो x बराबर ए बी बट्टे सी हो जाएगा। सी सबसे बड़ी भुजा है, यहां ध्यान रहे क्योंकि 90 के सामने है, इसे कर्ण भी कहते हैं, हाइपोटेनियस। सी सबसे बड़ी भुजा है, क्लियर है कि नहीं? सी सबसे बड़ी भुजा है और यहीं पे तो वो रूल लगता है पाइथागोरस प्रमेय कि सी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सबसे बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। एक ही नहीं सही। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अगर मैं इसकी अंतः वृत्त की त्रिज्या निकलवाऊं तुमसे, जैसे कोई ये वृत्त त्रिभुज है और इसके अंदर एक अंतः वृत्त खींच, ठीक है, और इस अंतः वृत्त की त्रिज्या चाहिए, कि बता सकता है क्या होगा? अंतः वृत्त की त्रिज्या, मैं आपने नाम दे दिया कि ए और ये बी है सी, तो अंतः वृत्त की जो त्रिज्या होगी वो ध्यान से देखिए, यानी यहां से यहां, क्लियर है कि नहीं? हम ये भी कह सकते हैं सर यहां से लेकर यहां, हम ये भी कह सकते हैं यहां से लेकर यहां तक, कि सब आर ही अंतः वृत्त की, इसे इन रेडियस कहते हैं, देर है कि नहीं के लिए। तो आप मुझे ये बताइए कैसे निकालें इसके अंतः वृत्त की, बता सकते हैं? अंतः वृत्त की त्रिज्या चाहिए, चलिए मैं प्रूव कराता हूं तुमको। आपको याद होगा, ध्यान से देखना इधर, बस बस इस पद दो आ रही हो संभाव त्रिभुज का, था कंफ्यूज करो इधर, ये देखो आपके यहां पे वही पहले जैसे नाम दे देता हूं मैं, बी के सामने और ए के सामने, अब और इसको नाम दे देते हम थोड़ी देर के, ओ तो तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि यहां पर तीन त्रिभुज बनेंगे? कौन से, एक त्रिभुज सी ओ बी, एक त्रिभुज सी ओ ए, एक त्रिभुज बनेगा बी ओ ए, क्लियर है कि नहीं क्लियर? ई ओ, अब इनके जो क्षेत्रफल हैं तीनों, ये मैंने आपको कल जो पिछली क्लास हुई थी संभाव त्रिभुज की उसमें समझाया था, जो इनके क्षेत्रफल हैं क्या वो बड़े वाले त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर नहीं होंगे? अरे बोलो हाँ या ना, बड़े वाले त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर होंगे कि नहीं होंगे? बिल्कुल होंगे सर, 100%, यानी बड़े वाले त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर 100% होंगे। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही तुमको? बोलत का है ना, आ रही है कि नहीं आ रही? तो इतनी बात में किसी को दिक्कत है? बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अब देखो आगे आप, तो आप मुझे ये बताइए अगर हम तीनों को मिला लें, अगर हम तीनों को मिला लें तो यहाँ पे जिनका त्रिभुज बनेगा वो बड़े वाले त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर होगा कि नहीं होगा? तो आप मुझे ये बताओ, ध्यान से देखना आप आगे, इनके क्षेत्रफल क्या होंगे? जैसे मैं आपको पहले इसका क्षेत्रफल निकालना सिखाता हूं, इस त्रिभुज का, समझना आराम से, इस त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा वो होगा एक बट्टे दो, आधार ए है और इंटू ऊंचाई ए गुणा आर। ऐसे ही किसी भी इस त्रिएंगल में चल जाए तो एक बट्टे दो, आधार सी है यहां पे और उस पे यहां से देखो यही तो ऊंचाई है, यहां से लेकर यहां तक यही तो उस त्रिभुज की ऊंचाई है, जैसे इसकी ऊंचाई यहां से लेकर यहां तक थी, इसकी ऊंचाई यहां से यहां तक है, तो सी गुणा ए, ठीक है।
अब रह गया ये वाला सी ओ ए, सी ओ ए इसका क्या हो जाएगा, एक बट्टे दो पी गुणा आर, और बराबर पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल, पूरे त्रिभुज का जो क्षेत्रफल हो जाएगा वो हो जाएगा कितना हो जाएगा, पूरे त्रिभुज का जो क्षेत्रफल हो जाएगा वो हो जाएगा एक बट्टे दो ए बी। सही है कि नहीं सही, बिल्कुल एक बट्टे दो तो कट ही जाएगा कॉमन लेके, सही है। तो आर बराबर निकल के आएगा, आर कॉमन है सब में, उधर ए बी और बट्टे ए प्लस बी प्लस सी। तो इसका एक तो ये फॉर्मूला होता है, लेकिन पेपर में अंतर्वृत्त की त्रिज्या पूछ ली जाती है और ऑप्शन दिए जाते हैं, ऑप्शन ये ऑप्शन में नहीं होता, तो इससे आगे बढ़ना पड़ेगा। हालांकि अगर हमें अंतर्वृत्त की त्रिज्या चाहिए तो हम इससे भी निकाल सकते, लेकिन ये ऑप्शन में नहीं होता अगर डायरेक्ट पूछा जाए तो। तो आप ध्यान से देखना आप आगे, अगर मैं आपसे ये कहूं कि ए बी और यहां बट्टे में है ए प्लस बी प्लस सी, आप मुझे ये बताइए ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, तो आप कहेंगे ए स्क्वायर प्लस बी का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस टू ए बी, यही तो होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी होता है। अब ये ए बी यहां पे क्या है, ए बी यहां पे लंब और आधार है, परपेंडिकुलर और बेस है, तो इनके वर्गों का योग जो होता है वो बराबर होता है किसके वर्ग के, सी स्क्वायर के। तो हम ये भी कह सकते हैं कि इसकी जगह हम सी स्क्वायर रख सकते हैं, तो हमारा बन गया ए प्लस बी का होल स्क्वायर, सी स्क्वायर इधर ले आओ सी स्क्वायर और बराबर टू ए बी। इधर ये वर्गांतर वाली फीलिंग हो रही है हमको, तो एक ब्रैकेट में तो जुड़ेगा और एक ब्रैकेट में घटेगा, तो यहां से हम ऐसे कह सकते हैं कि ए प्लस बी प्लस सी और एक ब्रैकेट में ए प्लस बी एक में जुड़ता है और एक में ये घट जाएगा, बट्टे में दो और ले आऊं तो ये ए बी का मान निकल के आ जाएगा, बोलो हाँ है ना, तो ये ए बी का मान निकल के आ, यही सेम ए बी का मान उठा के आ क्या है ए प्लस बी प्लस सी और एक ब्रैकेट में ए प्लस बी माइनस और बट्टे में दो और पहले से है ए प्लस बी प्लस सी। अरे ये तो हमने ए बी की जगह ही तो रखा है, इससे ये कट गया, तो अंतःवृत्त की त्रिज्या निकल के आएगी ए प्लस बी माइनस ए दो। ये पेपर में ऑप्शन में सही है कि नहीं सही है, तो यानी ये अंतःवृत्त की त्रिज्या है, इतनी बात समझ में, ये अंतःवृत्त की त्रिज्या है, बोलो हाँ ये ना, यानी ये अंतःवृत्त की त्रिज्या है। आगे बढ़े कि नहीं बढ़े, ठीक है, अगर नहीं समझ में आया हो तो दोबारा पूछ सकते, बढ़े आगे। अरे नोट, चलिए आगे बढ़ाते हैं। अब मैं तुम्हें परिवृत्त की त्रिज्या समझाता हूं। अजी देखो, परिवृत्त की त्रिज्या क्या होगी, जैसे परिवृत्त की त्रिज्या ये होगी, इधर देखना ध्यान से, ये है जो परिवृत्त की त्रिज्या होगी वो ऐसे बनेगी, नहीं सही, नहीं सही, सिंगल गलत बन गया है, पहले व्रत बनाएंगे ना, सिंगल बाद में बना देते हैं। अब मान लो इसमें मुझे ट्रायंगल बना, पहले सोचते थे बोर्ड हो तो अच्छे से, हाँ हाँ बन गई, चलिए देखो आगे। तो ये मेरे भाई परिवृत्त है, ठीक है,
ठीक है मेरे भाई, ये परिवृत्त। अब आराम से समझ, इसे सर्कम सर्कल कहते हैं इंग्लिश में। ये परिवृत्त की त्रिज्या है और वो अंतर्वृत्त की त्रिज्या। अब आराम से, अब मैं आपसे ये कहूं तो परिवृत्त की त्रिज्या क्या होती है? तो परिवृत्त की त्रिज्या मेरे भाई, देखो निकालने के भी तरीके, वैसे आपको मैं बताऊं, परिवृत्त की जो त्रिज्या होती है वो सी बट्टे टू होती है। यानी सी क्या है? सी सबसे बड़ी भुजा है कर्ण, और ये ए है, और ये क्या है? ये बी। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? तो सी सबसे बड़ी भुजा है, हाँ ये ना, सी यानी सबसे बड़ी भुजा है, सबसे बड़ी भुजा का आधा, यानी हम ये कह सकते तो परिकेंद्र होता है इस, जो वृत्त बनाए इसका, परिवृत्त बनाए सर्कम सर्कल, इसका केंद्र वो यहाँ कहीं स्थित होता है, यहाँ के कर्ण के मध्य बिंदु, सही है कि नहीं सही है? यानी कर्ण के मध्य बिंदु पर स्थित हो, इतनी बात समझ में आई? कर्ण के मध्य बिंदु पर स्थित हो, इतनी सी बात में किसी को दिक्कत है? तो हम ये कह सकते हैं कि जो आर है ना, कैपिटल आर, ये सी तो चलो थोड़ा सा इधर करें, तो मान लो आपका ये पूरी भुजा है सी, कंफ्यूज ना कर जाके, ये सी पूरा है, ठीक है, लेकिन आर कहाँ होगा? तो आर, ये आर होगा, ये आर होगा, सही है, और यहां से यहां मिला दिया जाए, ये भी आर होगा। केंद्र से परिधि तक की दूरी को क्या कहते हैं? रेडियस। अब आप कंफ्यूज मत हो जाइए कि अभी अभी तो आपने बताया था कहाँ गया, अभी अभी तो आपने बताया था कि ये ए बी बट्टे सी होता है, ये लंब है, कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है, ये लंब है, परपेंडिकुलर है, समकोण बनाने वाले सिर से सम्मुख भुजा पर डाले गए लंब की लंबाई, समकोण बनाने वाले सिर से सम्मुख भुजा पर डाले गए लंब की लंबाई, तो ये लंब है, लेकिन ये लंब नहीं है, ये इसको मध्यिका कह सकते, मीडियन कह सकते, क्योंकि इसने सामने वाली भुजा को दो बराबर भागों में बांटा है और दोनों ही आ रहे हैं, और ये भी खुद भी आ रहे हैं, तो ये कि नहीं सही है? तो यानी इसे ये वाली जितनी दूरी होगी उतनी ये होगी, उतनी ये होगी, ये परिवृत्त की त्रिज्या है, कर्ण की आधी होगी, इतनी बात समझ? बिल्कुल नहीं, ठीक है, ये नहीं बनाई, लग भी तो नहीं रहा, 90 होता तो कहीं हाँ कहीं ऐसे जा रहा हो। चलिए इतनी बात समझ में आई, अब मैं आपको आगे बढ़ाता हूं, पहले दो तीन सवाल हो जाएं, फिर आगे बढ़ेंगे, सिद्ध कराना है ये मेरे भाई। वैसे अभी मैं आपको थोड़ी देर बाद बताऊंगा, एबीसी बट्टे फोर डेल्टा सुना है, ये वहीं से आया है, कैसे आया? डेल्टा वहां पे एरिया का काम करता है, तो एरिया होता है एक बट्टे दो आधार इंटू ऊंचाई, ए बी से ए बी कट गया, दो से चार बार कट गया, सी वाई टू रह गया, ठीक है, सही है। आप मुझे ये बताइए, तो आगे बढ़ते हैं, पहले एक दो सवाल हो जाए तब आगे बढ़े। ये है पहला सवाल, तो मैं नहीं लग रहा समबाहु त्रिभुज का पहला सवाल बताओ फटाफट, एक और कोई, देखो आगे, चलिए आगे तो मैं कराता हूं। आप मुझे ये बताओ, यदि एक समकोण त्रिभुज की भुजाएं तीन चार पांच हैं, तो अंतःवृत्त की त्रिज्या बतानी है, अभी अभी तो बताया है
ए प्लस बी माइनस सी वाई टू। तीन और चार सात, सात में से पांच गया दो, और दो बट्टे दो कितना होता है एक होता है, सही है कि नहीं सही है। दूसरा सवाल, दूसरा सवाल ये है, आराम से देखना आप, परिवृत्त की त्रिज्या बताइए। तो कर्ण की आधी होती है, सबसे बड़ी भुजा की आधी यानी ढाई, ये भी बिल्कुल सरल था। तीसरा सवाल बताइए, ओहो बताओ बताइए फटाफट से क्या आएगा। मुझे ऐसा लगता है मैं कुछ इनाम देना चाहता हूं जो ये बताते। तुम जीने दोगे कि नहीं जीने दोगे, बताइए फटाफट से क्या आंसर आएगा। ऑप्शन है कोई? हाँ ऑप्शन, बोलो छाया। ऑप्शन ने इसमें गलत हो सकते हैं, कितना आ रहा है? हाँ अब बात आई, हम एक पॉइंट, चलिए ऑप्शन गलत नहीं सही है। एक आ रहा है ना, कौन सा सही है? अरे किसी को फॉर्मूला तक नहीं याद होगा तुम आंसर निकालने की। अंतर्वृत्त की त्रिज्या और परिवृत्त की परिकेंद्र के बीच की दूरी। काय का बहुत अच्छी बात कही, काय का जे एक्स निकाल ली, आधा किसने कहा? अरे अंतः केंद्र बीच में होगा, ऐसा किसने कह दिया कि अंतः केंद्र बीच में होगा? हैं? तुम कंफ्यूज हो गए सब, अंतः केंद्र तो यहां कहीं होगा, पता नहीं इससे अलग होगा। मध्यिका पे कहां होता है अंतः केंद्र? ये तो मध्यिका खींच दी तुमने, और ये लंब है तो ये लंब केंद्र वाली लाइन हो गई, अंतः केंद्र तो अलग होता है। चुपचाप सभी लोग आगे देखेंगे ध्यान से। हाँ, आंसर सबका सही है, पर ये बताओ निकाला कैसे है? ठीक हो गया, बाकी तो कम वक्त है आंसर निकालने में लगे हुए हैं सबके सब। फॉर्मूला ये होता है टू आर स्क्वायर माइनस आर इंटू आर। ये फिलहाल अभी नहीं बताएंगे कैसे आया, ज्योमेट्री का पोर्शन है, इसको आप ऐसे ही ध्यान रखेंगे। परिकेंद्र में लिखवा देता हूं, समझना ध्यान से, जैसे कोई त्रिभुज बनाया हमने, ठीक है, ई बना दिया, और इसके ऊपर हमने एक बनाया परिकेंद्र, कोई पूछे कंबगति कैसी होती, फॉर्मूला किसी को नहीं पता आंसर सबके। देखो तो ई तो हो गया तुम्हारा परिकेंद्र, क्लियर है, और अगर इसके अंदर हम अंतः केंद्र बनाते हैं, जैसे ही बन गया तो इसका जो केंद्र होगा वो ये होगा, कहीं कहीं तो होगा। अब तुम इन दोनों के बीच की दूरी कुछ देख पा रहे हो? इन दोनों के जो बीच की दूरी है वो ई वाली होगी, और ई लाइन यूं जा रही है, इंद्र से जा रही है मध्यिका हो रही, ठीक है, ये होती है। अब आप ध्यान, ये दूरी आपसे पूछी,
ये अंतः केंद्र में लिख देता हूं जिससे आपको ध्यान बना रहे, इन सेंटर कहते हैं, ये अंतः केंद्र ठीक है और ये तुम्हारा परिकेंद्र, इन दोनों के जो बीच की दूरी होती है ठीक है इंग्लिश में लिखेंगे ओनली, जो डिस्टेंस होती है वो होती है 2R² - R। ये तो आप जानते ही हैं कि ये बड़ी आर परिवृत्त की त्रिज्या है और छोटी आर स्मॉल आर है यानी अंतःवृत्त की त्रिज्या। अब आप ध्यान से देखना सवाल को, आप मुझे ये बताओ परिवृत्त की त्रिज्या निकलेगी कर्ण का आधा, परिवृत्त की त्रिज्या निकलेगी कर्ण का आधा, तो कर्ण का आधा कितना होता है 5² / 2 25/4 माइनस, क्लियर है, माइनस अंतःवृत्त की त्रिज्या। अंतःवृत्त की त्रिज्या अभी बताया था स्मॉल आर बराबर ए प्लस बी माइनस के सी वाई टू, तो 3 ये दे रखा है 4, 7, 1 आ जाएगी। जब इसको आप सॉल्व कर रहे होंगे तो ऊपर बचेगा 25 में से 4 गया 21/4, 4 का मान तो 2 ही होता है तो 4 का मान ठीक है, अरे हाँ कैपिटल आर यानी 5/2 और आएगा, दोनों का गुणनफल होता है आर इंटू आर, तो यानी आप मुझे ये बताइए ये हो जाएगा 2। देखो अगर हम एलसीएम ले लें तो यहां 10 हो जाएगा 15/4, 15, 4 का मान 2 होता है, 15 आंसर ही सही है, क्लियर है कि नहीं क्लियर। चलिए चौथे सवाल की ओर बढ़ेंगे, चौथा सवाल आपके सामने, हर एक टाइप का एक सवाल है, अब बाकी खुद चौथा करिए फटाफट से। करिए फटाफट से क्या आएगा, देखो भैया कितना आ गया बोलो जल्दी से, पारे और कोई, चलिए मैं बताता हूं। देखो आगे सवाल कहना क्या चाहता है, कहना ये चाहता है यदि एक समकोण त्रिभुज एबीसी बीसी 15 है, एसी 20 है और एबी 25, सीडी लंब है एबी पर, तो एडी का मान बताना है क्या होगा। पहले तो करेंगे चित्र, सवाल को थोड़ा सा छोटा ठीक है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, चलिए सामने देखो आप, तुम ध्यान से देखना आप आगे, जैसे कोई सर एक समकोण चित्र है सही है, बात नहीं है, बीसी 15 है एबी 25 है, यानी ए बी सी है, एबी सबसे बड़ी भुजा होती है कर्ण 25 और एसी जो दे रखा है वो 20 दे रखा है, क्लियर है, और बीसी जो दे रखा है वो 15 दे रखा है। आप मुझे ये बताइए उसने ये दे रखा है कि सीडी लंब है एबी पर, तो यानी सीडी क्लियर है कि नहीं क्लियर है, सीडी लंब है किस पे एबी पर, यानी ये डी है तो सीडी लंब है एबी पर, और एबी पर तो आपसे ये पूछा गया है तो एडी का मान ज्ञात कर, बहुत ही खूबसूरत, सी का आंसर आया क्या,
बोलो जल्दी से, नहीं यार वो तुम तो हर सवाल पर टक रहे हो, इस पे भी अटक गए तुम, इस पे भी अटक गए तुम, एक आध निकाल पाओगे कि नहीं? बोलो जल्दी से, चलिए मैं कराता हूं, नहीं आ रहा किसी का? पहले अब समझो तुम, अरे नहीं निकाल पाओगे, मैं कल तक का टाइम दे दूं तब भी नहीं निकाल पाओगे, तो बड़ा खुशी के साथ कह रहे हो, पेपर में तुम्हें 2 दिन का टाइम देगा, पेपर का सवाल है, कोई टफ थोड़ी है। लेकिन मालूम है दुख की बात इस बात का है कि तुम पर सवाल एक भी नहीं आ रहा, ना तुम ये निकाल पाए और ना ये निकाल पाए, चलो ये तो निकाल लिया था, 2 सवाल के बाद तो तुम्हारा खत्म हो गया आंसर निकालना। चलिए मैं समझाता हूं, किनका आ रहा है ए, कैसे निकाला है? तुक्का लगाते रहते हो, इधर देखो सीढ़ी नम निकाल लिया, बहुत अच्छी बात है, 15 दुनी 312 आ गया। लो बी, बी कैसे? पाइथागोरस प्रमेय से, 3 5 15, 3 6 12, 3 3 9 हो गया, ये सही है। चलिए मैं आपको कंसेप्ट, ये भी तरीका सही है, या मैं आपको एक और तरीका बताता हूं, देखो आगे बात नहीं है, अगर आप इसको सब बात नहीं, अगर आप डायरेक्ट निकालना चाहते हैं तो डायरेक्ट कैसे होगा? अंदर से कुंडी लगा के अबकी बार बैठना, तो पीछे से ध्यान रखना कोई, ठीक है? कुंडी लगाओ पीछे से, है इसमें देखो, है नहीं? तो आज इसमें पहले कुंडी लगवानी है, देखो आगे। अब हम मुझे ये बताओ, भी पीछे बात नहीं, आगे देखना ध्यान से, मैं आपसे ये कह रहा हूं, ध्यान से देखना आप आगे, जैसे यूं दे रखा है, इधर देखो आगे मेरे भाई, इधर देखियो ध्यान से, जैसे यहां से हमने इस पे लंब डाला, आपको मैं नए कंसेप्ट सिखाता हूं, कुछ हर सवाल में नया कंसेप्ट है, गिने चुने 12 13 सवाल हैं, लेकिन पूरा समकोण क्लियर हो जाएगा। तुम जैसे ये मान लो ए है और ये बी है और ये जो पूरी भुजा है ये सी है, क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ये पूरी भुजा जो है वो क्या है? सी है। आपको अगर मान लो ये एक्स चाहिए, ये 4 पॉइंट है जिसपे सवाल बनता है, तो पहला पॉइंट है मेरे भाई, अगर मान लो आपको एक्स चाहिए, ठीक है, अगर मान लो आपको एक्स चाहिए तो एक्स का मान मैंने आपको निकालना बता दिया है, एक्स का मान क्या होता है? ए बी बट्टे सी, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है कि अगर मान लो मैं इनके नाम और दे देता हूं तो ज्यादा अच्छा समझ, पी सी है तो सी के सामने, ए है तो ए के सामने और बी ए, और इसका नाम हम दे देते हैं मान लो एम, ठीक है। अब मैं आपसे कहूं कि मुझे ए एम का मान बताइए, अभी जो तरीका बताया वो भी सही है और आप डायरेक्ट भी ध्यान रख सकते, तो जो ए एम का मान होगा वो होगा बी स्क्वायर बट्टे सी। ये ज्योमेट्री में जाके चीजें क्लियर होगी, करा इसलिए दिया है, मान लो ज्योमेट्री नहीं हो पाई तब तक मार्च में आईवी का पेपर है, अभी परसों शायद 18 तारीख का, 18 का ही है ना, तो आ जाते हैं तो आप कराएंगे, इसलिए करा दे रहा हूं, वैसे ज्योमेट्री का है।
आपको अगर पूछ लिया जाए बीएम का मान बताइए, तो बीएम का जो मान होगा वो होगा ए स्क्वायर बट्टे, और इनके अलावा जो एक और पॉइंट, ये चार पॉइंट बहुत काम के हैं। चौथा पॉइंट आपका ये है कि अगर आपसे ये पूछा जाए कि ए एम गुणा एम बी यानी इन दोनों का गुणनफल बराबर होता है सी एम के स्क्वायर, तो चौथा पॉइंट ही, ये चार पॉइंट है जो समकोण त्रिभुज पे पूछे जाते हैं ज्यादातर। क्लियर है कि नहीं क्लियर? ये चार पॉइंट है, पहला एक्स बराबर ए बी बट्टे सी, दूसरा ए एम बराबर बी स्क्वायर, जैसे ये वाला है तो इसके सामने वाली भुजा बी स्क्वायर बट्टे सी, ये वाला है तो इसके सामने वाली भुजा ए स्क्वायर बट्टे सी, और ए एम यानी इन दोनों का गुणनफल बराबर होता है इस फर्क के। क्लियर है? अब आ जाते हैं सवाल पे। तो एक तरीका तो इसका निकालने का यही है जो अभी इन्होंने बताया कि 15 ये 25 ये 20 है, हम ये निकाल सकते हैं। डाले गए लंब की लंबाई पता है आपको, 15 गुणा 20 300 में 25 का भाग दोगे 12। अब इसमें लगा दीजिए आप समकोण त्रिभुज वाला कंसेप्ट, तो इसमें लगाएंगे 90 के सामने वाला कर्ण, 15 का वर्ग में से 12 का वर्ग घटाएंगे 9 आ जाएगा। ये 9 है, ये पूरा 25 है, इधर वाला आप निकाल सकते हैं। एक तरीका तो ये। दूसरा तरीका क्या हो सकता है? दूसरा तरीका ये हो सकता है कि यहां से डाला गया लंब है, सी का मान कितना है 25 है, 20 का स्क्वायर और बटे 25, 25 चौके 100, 20 100 ही तो बनती है, या 400 डायरेक्ट काट दीजिए, 4 चौके। क्लियर है? हम ये भी निकाल सकते हैं, ये भी निकाल सकते हैं, कोई भी भुजा निकाल सकते हैं, हमने ये भी निकालना सीख लिया, ये भी सीख और ये भी सीख। बढ़ जाए आगे कि नहीं? बिल्कुल। चलिए पांचवें सवाल पे आते हैं। पांचवा सवाल आपके सामने कुछ इस प्रकार है, बताइए। हर सवाल चेंज है थोड़ा बहुत, एक जैसे नहीं रखें, फिर हो नहीं पाता एक दिन में सम... बोलो जल्दी से, कितना 12 देखते हैं। आपसे ये पूछा गया है तो सीडी का मान ज्ञात, अभी मैंने चित्र तो बनवाया ही था, जैसे ध्यान से देखना आप आगे, एक समकोण त्रिभुज एबीसी में बड़ी भुजा है एबी यानी ये वाली 25, सही है कि नहीं सही है? और आप मुझे ये बताइए सीडी लंब है एबी पर, ये लंब है, ये सी है, ये डी है, और आपको दे रखा है एसी बराबर 20 और ये दे रखा है कितना 15। सीडी का ही तो मान पूछा है, डाले गए लंब की लंबाई, अभी अभी तो बताया ही है ए बी बट्टे सी, तो ए बी छोटी छोटी भुजाएं 20 गुणा 15 बटे हाइपोटेनियस यानी कर्ण 25, ऊपर 300 होगा, 300 में 25 का भाग देंगे कितना आ जाएगा 12, सही है कि नहीं सही है? अगला सवाल होता है छठवां, बात नहीं, छठवां सवाल ये है थोड़ा सा और आगे, बताइए। ये तो सबको आता होगा, सरल है, दिए गए चित्र एबीसी एक समकोण, ठीक है कि नहीं ठीक है? दिए गए चित्र में एबीसी समकोण है, कोण ए बराबर 90, एबी बराबर सी, एसी बराबर बी, तीनों भुजाओं पे अर्धवृत्त खींचा जाता है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बताओ क्या हो जाएगा, क्या कह रहा था? चलिए सामने देखो, मैं आपको समझाता हूं, पहले आपको हम डिटेल से समझाते हैं। जैसे कोई समकोण त्रिभुज है, सही है, समकोण त्रिभुज
ऐसे वाला है, और ये जो कोण है ना ये 90 है, ऐसा सवाल में दे। पहले क्या किया गया कि तीनों पे एक अर्धवृत्त खींचा गया, दोनों पे। चित्र कुछ इस प्रकार है, सही है बिल्कुल। फिर इन भुजाओं पे अर्धवृत्त खींचा गया है, ठीक है, माफी मांग। ठीक है, अरे हमें तो बहुत अच्छा लग रहा है। अब आपसे ये पूछा गया है कि इस भाग का एरिया बताना है, ये छायांकित भाग ए वाला है, ये कि नहीं, ऐसे करके पूछा है। अब मुझे ये बताओ, ध्यान से देखना आप, आ गया, क्या पूछा है कि छायांकित भाग का एरिया बताइए, और 90 के सामने वाली भुजा है जहां ए समकोण है, ए समकोण और ये बीसी है, सही है। अब तुम हमको ये बताओ, ए यानी समकोण है तो ए बी यानी सी, ठीक है, ए सी यानी बी, और मेरे भाई तीसरी भुजा में जरूरत भी नहीं, पूछी भी नहीं, वैसे मानना चाहूं तो आप ए मान सकते, क्लियर है। तो आप मुझे ये बताइए एक छोटी सी बात, हम क्या करें कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकल के आ जाए, इधर देखना ध्यान से। तो आप मुझे ये बताइए, इधर देखना ध्यान से मेरे भाई, अगर हम ए बी भुजा पे, ये अर्धवृत्त है, ये ए बी भुजा पे अर्धवृत्त है, कौन सा वाला, जो ये पीली लाइन से बनाया गया, और ये जो गुलाबी लाइन से बनाया गया पिंक कलर से, ये पूरे इसका अर्धवृत्त है, यानी कर्ण पे अर्धवृत्त है, ऐसे कह सकते, या परिवृत्त का आधा है, ऐसे कह सकते। तो आप मुझे ये बताओ, अगर हम एक काम करें कि जैसे इन सब का जोड़ के और इतने हिस्से का घटा दे, मैं आपको समझाता हूं, देखना ध्यान। सबसे पहले मैंने निकाला त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, एक बट्टे दो आधार इंटू ऊंचाई, ये तो कर्ण है, ये नहीं लिखना है, समझना, एक बट्टे दो आधार इंटू ऊंचाई, यानी क्या हो जाएगा बीसी, सही है कि नहीं सही है, एक बट्टे दो आधार इंटू ऊंचाई यानी बीसी। अब अगर हम इसका हिस्सा निकाले, किसका निकाल रहे हैं, इधर देखना ध्यान से, अब हम निकाल रहे हैं, ये हमने निकाल लिया सिर्फ और सिर्फ किसका, त्रिभुज का, ये हमने त्रिभुज का निकाल लिया, ध्यान से देखना, इस त्रिभुज का निकाला, अब हमें निकालना है इस भाग का, इधर देखना ध्यान से, ये क्या है, ये अर्धवृत्त है, अरे ये अर्धवृत्त है कि नहीं है, तो आप मुझे ये बताइए, ये अर्धवृत्त है, ध्यान से देखना, कंफ्यूज नहीं हो जाना, ये अर्धवृत्त है, तो आप मुझे ये बताइए, इसी अर्धवृत्त का निकालें तो पूरे, देखो अब जब ये अर्धवृत्त है, जब ये अर्धवृत्त है, तो आप मुझे ये बताइए, ये व्यास हुआ और व्यास सी हुआ, तो सी का आधा त्रिज्या कितनी होगी, सी बाई टू होगी, तो आधा वृत्त का हो जाएगा एक बट्टे दो, पूरे वृत्त का पाई आर स्क्वायर, आधे वृत्त का एक बट्टे दो पाई आर स्क्वायर, पाई आर यानी सी वाई टू का स्क्वायर, ऐसे ही इधर वाले हिस्से का भी निकलेगा, इस हिस्से नहीं, नहीं दोगुना कैसे कर सकते, ये अलग भुज रेडियस से ही अलग है, ये बराबर होती तभी तो कर सकते थे हम, एक बट्टे दो पाई पी वाई टू का स्क्वायर। अब हमने सबका अलग अलग निकाल लिया, इधर देखना ध्यान से, इसका भी निकाल लिया हमने, इसका भी निकाल लिया और इसका भी निकाल लिया, पूरा कवर कर लिया हमने। अब इसमें से हम क्या करें कि अगर हम इसमें से त्रिभुज इसका घटा दें, इतने का, जब इतने का हम घटा दें तो ये जो ग्रीन ग्रीन कलर की लाइन है, जो छायांकित भाग है, उसी का निकल के आ जाएगा। तो आप मुझे ये बताइए मेरे भाई, जब हम घटाएंगे तो घटाएंगे कितना, एक बट्टे दो पाई, ये इस पे ही तो बना हुआ है,
ए बाई टू का स्क्वायर, ये बना हुआ है ए बाई टू का स्क्वायर ही तो होगा, तो आप बताइए ए बाई टू का स्क्वायर। अब ध्यान से देखना आप आगे, एक बट्टे दो बी सी प्लस, अगर हम यहां से कॉमन ले लें एक बट्टे दो पाई और दो का वर्ग भी कॉमन ले लें कितना चार, तो यहां बचेगा सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। चुप बैठो, ठीक है। अब आप मुझे ये बताइए कि सी आधार है और ये लंब, तो आधार प्लस लंब का जो वर्ग होता है वो कर्ण के वर्ग के बराबर होता है, इससे ये कट गया तो ये पूरा जीरो हो गया, तो जो आंसर होगा वो बी सी का हाफ होगा, ठीक है। अब तुम इस बात को पेपर में कैसे करें, पेपर के लिए आप ध्यान रखेंगे जब इस तरीके का चित्र आ जाए, कैसे, जैसे मान लो ये दे दिया जाए कि एक तो अभी वाला यही दे दिया जाए, ये आगे भी लगेगा, जैसे ये दे दिया जाए और ये दे दिया जाए और इस भाग का क्षेत्रफल पूछा जाए, तो जिस आकृति पर ये बना हुआ है, जिस आकृति पर ये बना हुआ है जो मेन आकृति है उसका क्षेत्रफल ही छायांकित भाग का क्षेत्रफल होता है इसका, तो ये किस पर बना हुआ है, ये समकोण त्रिभुज पर बना हुआ है, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल ये बी था, ये सी था, ये ए था, ये 90 था, तो बी सी यही इसका आंसर हो जाएगा। आगे चल के हम पढ़ेंगे जब ये अगर मान लो वर्ग हो और इस पे ऐसे बना दिया जाए ऐसे और फिर इन पे अलग अलग बना दिया जाए, तो इन छायांकित भाग का एरिया पूछे तो वहां भी हम ये देखेंगे कि ए स्क्वायर ही उसका आंसर हो जाएगा क्योंकि वो वर्ग की आकृति पे, ठीक है कि नहीं, ठीक है। तो इसकी जो मेन आकृति है वही उसका आंसर हो जाता है, तो ये त्रिभुज है और त्रिभुज का क्षेत्रफल एक बट्टे दो बी सी होता है आधार ऊंचाई, तो ये है कड़ पे भी, देखो होने को तो ये किसी पे भी हो सकता है लेकिन हम सवाल वो करते हैं जो ज्यादातर पूछे गए, होने को तो तुम कर्ण पे बना दो, एक बीच में भी यहां बना दो, कुछ भी कर लो, सवाल तो बढ़ाने में कितना भी बढ़ा सकते हो। कौन सा ट्रायंगल, मैं बता तो रहा हूं मेरे भाई, फिर तो आप अपने हिसाब से इमेजिन करते रहिए, निकालते रहिए, तरीका आपको आता है, लेकिन जो ज्यादातर या स्टैंडर्ड कह सकते हैं जो पूछे जाते हैं अब तक, ठीक है, ये सवाल कम से कम पीछे बात नहीं, ये सवाल कम से कम 10 बार पूछा गया होगा और 10 बार समकोण पे ही पूछा गया होगा, आज तक ना तो ये संभाव पे बना है ना विसंभाव पे बना है ना किसी और पे बना है, फिर भी आपको निकालना है तो आपको तरीका पता है ऐसे ही निकल आएगा, ठीक है। कुछ चीजें ऐसी होती है जो आती है बस उन पे ही हमें काम करना है, और करने को तो तुम और बना लो कि एक त्रिभुज यहाँ पे भी दे रखा हो एक यहाँ भी दे रखा हो, फिर तो बढ़ाना है, बढ़ाते जाओ सवाल को, फिर तो अपने हाथ में, ठीक है। चलिए सातवें पे आते हैं, सातवां सवाल ये है, देवी चंदा मामा वाला ही है, बताइए इसको मैं भी थोड़ी देर में समझाता हूं, पहले एक और देखो आगे, आठवां तुम्हारा, चलिए मेरे भाई पहले इसको करेंगे, पढ़िए फटाफट से करने की कोशिश करिए। आया कुछ, चलिए इधर देखो आगे, नहीं समझा इतना, ये तुम्हारे आंसर आ जाते हैं, कंसेप्ट पता ही नहीं क्या कंसेप्ट, आंसर से मतलब होता है, बस जोड़ तोड़ किया आंसर आ गया, कंसेप्ट एक का नहीं पता क्या कंसेप्ट लगना है इसमें, आंसर लाने से मतलब है बस। देखो भैया चलिए, तो सही कौन से आ रहे हैं इनके, सही भी तो हमें एक भी, एक पहला और एक दूसरा, इन दोनों को छोड़ दें फिर तो आंसर आया ही नहीं किसी सवाल के। हाँ पहला सबने निकाल लिया था, अंतर्वृत्त की त्रिज्या पूछी थी बस, और ये ऐसे सवाल क्यों, तुम तो ऐसे सवाल बड़े आराम से निकाल सकते हो,
बताइए एक त्रिभुज की भुजाएं हैं तीन चार पांच, तो उस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? छह आ गया, वाह। वो ऐसे सवाल मैंने एक भी नहीं कराया, आप कर लियो घर जाके, ठीक है? देखो आगे पढ़े आगे, चलिए तो इस सवाल को मैं आपको समझाता हूं, समझना आराम से। कितना आ रहा है? तीन। पहले कंसेप्ट तो देख लो, तीन आ रहा है। देखो जैसे ये कोई त्रिभुज है, इसके अंदर दो वृत्त बने, ठीक है, कलरफुल, इसी को कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। ठीक है चलिए देखते हैं। बढ़ 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 गई, वाह। अब सीख गया, ऐसे ही सीख जाऊंगा मैं, शुरू हुआ है ना इसलिए। चलिए फिर चलिए आगे बढ़ते हैं और इसको थोड़ा सा उधर करेंगे, अब सही है। तो आप मुझे ये बताइए, आराम से समझना तुम मेरे भाई, जैसे यहाँ पे ये दे रखा है तो ये आप जानते हैं यहां से यहां तक ये रेडियस होती है, जिसे आर के नाम से जाना जाता है। क्या आप भी जानते हैं इस बात? ये आर है, ये आर है, समान त्रिज्या के हैं तो ये भी आर है और ये भी आर है, सही है कि नहीं सही है? अगर मैं तुम्हें एक और लाइन खींच के समझाऊं, कौन सी बात? बात ऐसी है कैसे कि जैसे ध्यान से देखना, ठीक है? तो आपको क्या तीन त्रिभुज बनते हुए दिखाई दे रहे हैं? बिल्कुल दे रहे होंगे। ये भुजा ए मानते हो, ये बी मानते हो और ये है सही है, और ये है तुम्हारी आर, अंतःवृत्त की त्रिज्या। तो आप ध्यान करो, वही कंसेप्ट लगेगा कि तीनों त्रिभुजों का जो योग है वो बड़े त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर होगा। ऐसा एक नहीं, हमने ऐसे कई सवाल कर लिए, ठीक है? तो इसको फटाफट से देखेंगे अब। तो अगर मैं बात करूं इस त्रिभुज की, अगर हम बात करें इस त्रिभुज की, तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? एक वट्टे दो, आधार है बी और इस पे ऊंचाई कितनी है यहां से लेकर वहां तक? थ्री आर। अरे ये थ्री आर ही तो है यहां से लेकर वहां तक, थ्री आर। दूसरे त्रिभुज की बात करें तो एक वट्टे दो, आधार कितना है ए इंटू आर। तीसरे त्रिभुज की बात करें तो आधार कितना है सी इंटू आर, बराबर त्रिभुज का क्षेत्रफल एक वट्टे दो ए बी। ध्यान से देखना आप आगे, एक वट्टे दो से एक वट्टे दो कट गया कॉमन लेके, आर कॉमन आ जाएगा, तो आर कॉमन आ जाएगा मेरे भाई, ध्यान से देखना, आर कॉमन आएगा तो यहां बचेगा थ्री बी, यहां ए प्लस सी बराबर ए बी, ठीक है? तो आर बराबर निकल के आ जाएगा ए बी बट्टे थ्री बी प्लस ए प्लस सी। अब तुमको याद है एक ऐसा कंसेप्ट और पढ़ाता हमने अंतःवृत्त की त्रिज्या में, कहां गया ये? गया ये, देखो सही है कि नहीं सही है? तो ये निकालने की जरूरत नहीं है, बस यहां पे क्या था कि एक वृत्त था, वहां पे दो हैं, तो ये यहां से यहां तक बढ़ जाएगी, तो एक बी की जगह जो होगा बस थ्री आर हो जाएगा, बाकी सेम का सेम ऐसा का ऐसा ही रहेगा। तो अब आ जाइए सवाल पे, तो हमने निकाल लिया कि ए बी बट्टे थ्री बी प्लस ए प्लस सी। तो इधर देखो, आपको भुजाएं दे रखी हैं, क्या क्या? 25 सबसे बड़ी भुजा, दूसरी भुजा दे रखी है 15 और तीसरी दे रखी है 20। क्लियर है? नाम भी दे रखे हैं क्या? यदि एक समकोण त्रिभुज की भुजाएं तथा इसके अंदर समान त्रिज्या के दो वृत्त की,
अब आप देखो ध्यान से, तो आप मुझे ये बताओ ए बी 15 गुणा 20, अरे भूल गए, ए बी 15 गुणा 20 बटे ए प्लस सी, ठीक है कि नहीं ठीक है, ए प्लस सी 15, कोई भी ए मान लो, ये मान लो चलो 20, ए के सामने वाली भुजा ए, बोलो हाँ है ना, लेकिन ध्यान ये रहे, क्या ध्यान रखने वाली बात है, ये देखो ये जो बी है ये बी माना है और इसके लिए 3b आया है, तो जो यहां भुजा होगी उसके साथ 3 का मल्टीप्लाई हो रहा है 3b, ऐसा नहीं करें कि यहां पे तुम a मान लें तो यहां a हो जाए या 3b हो जाए, तो आप इस बात का विशेष ध्यान रखें, तो आप ध्यान से देखना ये वाली भुजा कितनी है 15, तो यहां होगा 15 * 3 = 45, इस बात का विशेष ध्यान रख के, नहीं सवाल गलत हो जाएगा, और प्लस 25 जो ये भुजा है यही तो 3r होता है, ये यही तो होता है, तो यही तो 15 * 3 = 45 होगा, तो आप मुझे बताइए ऊपर तो होगा मेरे भाई 3 और ये हो जाएगा 70 और 20 = 90, 0 से 0 10/3 से कर लो, मतलब करना क्या है आगे देखो, बढ़े आगे कि नहीं बढ़े हैं किसको, हाँ बिल्कुल ठीक है, रुको ना है भैया, रुक तो जाओ रुक, 20 इस पे रखना चाहते हो तुम, 20 * 60 सही, 20 * 60 और 45 नहीं 80, चलिए इसको देखते हैं फिलहाल अभी, ठीक है नौमा देखो, आगे देखो आगे अभी करा रहे हैं उस पर चल रहे, देखो आगे इसको तुम्हें खुद करना है, कैसे करना है इधर देखो, सामने देखना 1r 2r 3r 4r और 5r, यहां से एक त्रिभुज ये बनेगा, एक ये बन जाएगा, एक ये, तो जो वहां पे 3r हो रहा था ना, यहां पे 3b की जगह बस क्या हो जाएगा 5b हो जाएगा, क्यों 5b हो जाएगा, क्योंकि 1 2 3 4 5 r बन रही है, तो इसको तुम खुद लगाइयो एक सवाल को, हाँ ठीक है पहले पूरा हो जान दो तब कराएंगे, लास्ट में टाइम मिलेगा तब, दसवा देखो आप, उसमें नाम दिए होने चाहिए, ये मिस्टेक है, ठीक है करिए फटाफट, बताइए भैया आया कुछ, कौन सा, अरे इसमें ठीक है 10 ऊपर 12 लिखे, अच्छा चलिए दोनों से निकाल लेंगे, कंसेप्ट समझ में आ, बात नहीं 48 देखो आगे,
सामने देखो अब, आप मुझे ये बताइए, उसने मैक्सिमम पूछा है और कुछ भी उसने दे नहीं रखा है, और ए उच्च कर दे रखा है कितना 12, सही है कि नहीं सही है? अब मुझे ये बताओ मैक्सिमम एरिया कब हो सकता है, बोलो हैं? यानी ये मैक्सिमम जगह कब घेर सकता है ये पूछ। तो आपको मैं एक और बात बताऊं, ये मैक्सिमम जगह तब घेर सकता है जब ये दोनों कोण बराबर बराबर के हो। पहले मैं आपको दोनों तरीके से करवा दूंगा, एक में 12 12 मान के भी करवा देता हूं, इधर देखना ध्यान से, और एक मैंने मान लिया कि सर ये 30 है और ये मान लिया मैंने 60 है और ये मैंने मान लिया 90, ये तो फिक्स है ही, ठीक है, और यहां ये 90 फिक्स है। अब आप ध्यान से देखना, कर्ण दोनों जगह दे रखा है 12, कर्ण फिक्स है 12, मैक्सिमम एरिया चाहिए हमको। तो एक बार मैंने ये दोनों 45 बराबर बराबर मान लिए और एक बार मैंने कोई अलग अलग मान के कर रहा हो, ठीक है। तो आप मुझे ये बताइए भुजा निकाल सकते हैं, बड़े आराम से निकाल सकते हैं, कैसे? यहां देखो हमें कर्ण पता है, हाइपोटेनियस लंब वगैरह चाहिए, कुछ लोगों को पता होगा रूट टू का डायरेक्ट भाग दे देंगे, जिन्हें नहीं पता है वो साइन कॉस कुछ भी लगा लो। तो साइन थीटा, तो साइन 45 बराबर लंब, कोई ये 45 ये लंब मान लो पी भैया, तो लंब बट्टे कर्ण, पी बट्टे कर्ण कितना है 12, और साइन 45 की वैल्यू आप जानते हैं 1/√2। तो अगर हम यहां से पी बराबर निकालें तो रूट टू का भाग देना है 12 में, तो या तो ऐसे कर लो या 6√2 डायरेक्ट आप समझ सकते हो, 2 × 12 6√2, सही है कि नहीं सही है? तो अगर ये 6√2 है तो इसके बराबर ये भी है, तो ये भी कितनी हो जाएगी 6√2, सही है कि नहीं सही है? और अगर हम इस हिसाब से क्षेत्रफल देखें इस हिसाब से, तो 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, क्लियर है कि नहीं क्लियर है? इससे ये कट जाएगा, कितना आंसर आ जाएगा 36। और अगर हम इस हिसाब से देखें तो देखो मैं यहां पर साइन 30 लगाता हूं, तो साइन 30 बराबर लंब ये पी हो गया, पी बट्टे कर्ण, ये 1/2, तो 2 × 12 ये कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। आप कर्ण के वर्ग में से लंब का वर्ग घटाइए, 12 का वर्ग 144, 36 घटाएंगे आप तो 108 बचेगा, और 108 36 दिया 108 होता है, ये हो जाएगा 6√3, सही है कि नहीं सही है? अब आप मुझे ये बताइए तो इसका एरिया क्या होगा, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, सही है कि नहीं सही है? 2 × 6 = 18 और इसकी वैल्यू लगभग 1.7 होती है, डेढ़ के करीब मान लो, तो 18 का 1.5 × 27 ही तो हुआ, जबकि वो 36 हो रहा है। तो मैक्सिमम एरिया तब होता है जब ये दोनों कोण बराबर हो, ठीक है? क्योंकि जब ये डायरेक्ट पेपर में आएगा तो तुम्हारी समझ में नहीं आएगा करना क्या है, इसलिए मैंने करा दिया। तो मैक्सिमम एरिया तब होगा जब उनके कोण बराबर हो, अदरवाइज नहीं हो सकता, ठीक है कि नहीं? ठीक है, चलिए ऐसे था ये आया, ये मतलब ट्रिकोनोमेट्री मिक्स क्वेश्चन है, एक और है इसके बाद जो पेपर में आया हुआ है, बढ़े आगे क्या रहे, इसका आंसर क्या आ जाएगा 36 साल। क्या रहे देखो, 11वां सवाल ये है, बताइए, ये भी बहुत 2-3 बार आ चुका है CHSL वगैरह में भी, बढ़िया सवाल है। मैंने 12 क्वेश्चनों में आपको मेंसुरेशन खत्म कराने की कोशिश की है, जो बेसिक बेसिक क्वेश्चन है छोटे छोटे उनको आप खुद लगाएंगे, क्षेत्रफल पूछा है तो 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, तमाम छोटे छोटे, बताइए मैं ही करावा, टाइम ज्यादा होगा
चलिए भैया आगे देखो फिर आप, इधर देख लो, बस बस चुप हो जाओ। इतना? हाँ आंसर तो कुछ ऐसा ही है, ये 1250 है। अरे मुझे पता नहीं है, जो तुम मैंने कह दिया तो वही। इधर देखो चलो, अब मुझे ये बताओ, एक कोण 15 इंच का है, अगर इसका आप सटीक चित्र बनाना चाहते हैं तो सटीक चित्र तो कुछ ऐसे बनेगा, सही है? ये कोण 15 इंच का है, छोटा सा, सही है कि नहीं सही है? ये कोण 15 इंच का होगा और मेरे भाई कर्ण की लंबाई 1 मीटर है। डू यू नो 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर? काहे? क्योंकि तो हमें आंसर किसमें पूछा है, सेंटीमीटर, तो ये 100 सेंटीमीटर हो गए। क्या आप ये जानते हैं ये 75 का होगा, क्योंकि ये तो फिक्स है ना, ये तो 90 है, ठीक है कि नहीं ठीक है? बिल्कुल। अब आप मुझे ये बताइए, तुम यहां साइन 15 15 मत लगाइए, क्यों? क्योंकि आपको फॉर्मूला ही नहीं याद होगा, साइन 15 की वैल्यू ही नहीं याद होगी। आप मुझे ये बताइए, बात नहीं, अगर मैं ये ए मान लूं और ये बी मान लूं, सही है कि नहीं सही है? आप मुझे ये बताओ, बस इतना सा बात बताओ, साइन 15, समझना थोड़ा जल्दी भी करना है, टाइम ओवर हो रहा है। साइन 15 बराबर लंब बट्टे कर्ण, बी लंब है और बट्टे कर्ण कितना है, 100। तो हम ये भी कह सकते हैं पी बराबर आएगा 100 और साइन 15। क्या ये समझ में आया कि नहीं आया? अरे बी बराबर 100 साइन 15। अगर यहां पे हम कॉस 15 लगाते तो आधार बट्टे कर्ण, तो आधार कितना है ए और बट्टे कर्ण कितना है, तो ए बराबर निकल आएगा 100 cos 15। हम जानते हैं एक बात, क्या? कि 1/2 आधार इंटू ऊंचाई होता है क्षेत्रफल बराबर 100 sin 15। sin 15 बाद में लिख दूंगा, और यहां पे 100 sin 15 बच गया और क्या बच गया, cos 15। अब ये ध्यान से देखना आप आगे, ये साइन ए कौन से बनना है, तो हम आंख बंद करके बता सकते हैं, 2 का गुणा करो और 2 का भाग, ये साइन 2a बन गया, तो ये जो बनेगा ये 4 से कट जाएगा 25 बार, तो 25 गुणा 100, और ये साइन 30 होता है साइन 2a, साइन 15 दूनी 30, इसकी वैल्यू 1/2, 2 से भी कटेगा 50 बार, 25 पंजे 125, 1250, ये इसका आंसर है। बेहतरीन सवाल, तो मैंने बेहतरीन बेहतरीन करा दिए, सरल सरल तुम्हें खुद करने, जो पेपरों में आए हो तुम भटक जाओगे। 12 और आखिरी ऑफ द डे बताइए, कल करा दो, चलिए एक सवाल कल करके शुरू कर, कल विषमभाव त्रिभुज पढ़ेंगे, ठीक है?